अक्सर हम आध्यात्मिक परिपक्वता की बात करते हैं, यानी स्पिरिचुअल अटेनमेंट की, और वो क्या होता है इनकी बारीकियां मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब आप दूसरों को बदलने के प्रयास छोड़ के स्वयं को बदलना प्रारंभ करें, तब आप आध्यात्मिक कहलाते हो। जब आप दूसरे जैसे हैं वैसे उन्हें स्वीकारते हैं तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप समझते हैं कि हर किसी का दृष्टिकोण उनके लिए सही है तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप घटनाओं और हो रहे वक्त का स्वीकार करते हो यथार्थ में तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप आपके सारे संबंधों से अपेक्षाओं को समाप्त करके सिर्फ सेवा के भाव से संबंधों का ध्यान रखते हो तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप यह जानकर के सारे कर्म करते हो कि आप जो भी कर रहे हो वो दूसरों के लिए ना होकर के स्वयं के लिए कर रहे हो तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप दुनिया को स्वयं के महत्व के बारे में जानकारी देने की चेष्टा नहीं करते तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपको स्वयं पर भरोसा रखने के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दुनिया के लोगों के वचनों की या तारीफों की जरूरत ना हो तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपने भेदभाव करना बंद कर दिया है तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपकी प्रसन्नता के लिए आप सिर्फ स्वयं पर निर्भर है दुनिया पर नहीं तो आप आध्यात्मिक हो। जब आप आपकी निजी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझ के अपने सारे इच्छाओं का त्याग कर पाते हो तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपकी खुशियां या आनंद भौतिक पारिवारिक और सामाजिकता पर निर्भर नहीं होता तो आप आध्यात्मिक हो। आइए कुछ आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ें। ये साल 2021 में इन सभी परिपक्वताओं के ओर काम करना शुरू करें। देखें आप स्वयं ही अपने आप को अलग बदला हुआ पाएंगे, जो कि बड़ा सकारात्मक होगा। इन सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। धन्यवाद।